मैं दिल्ली के संदर्भ में उन मजदूरों की बात करूंगा, खासकर जो जिनकी संख्या बहुतायत है, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर जिनको हम कहते हैं, और उनके ज़िंदगी के अपने ही एक मतलब सबकी ज़िंदगी की अपनी एक कहानी है। जब भी हम बात करते हैं शहर में वर्करों के रहने की बात करते हैं, तो मज़दूर एक जो शहर में आता है वो शहर को कैसे देखता है। शहर का मतलब उसके उसका वो डेस्टिनेशन जहां वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, जहां गरीबी से जूझ रहे सवालों का वो जवाब ढूंढ पाएगा, जहां उसे लगेगा मैं तो बहुत मेरा परिवार बहुत पीछे है, शायद मैं अपने परिवार को आगे ले जा पाऊंगा। शहर का मतलब उनके उसके सपनों में ये सब सारी चीज़ें आती हैं, और इन्हीं सपनों के साथ दिल्ली में देश के मुंबई और कलकत्ता में भी एक बार अध्ययन मैंने किया था, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ 2008 में, और स्लम्स का ही था। कहानी बिल्कुल करीब करीब एक जैसी है। मजदूरों के आने और यहाँ बसने के समय का फ़र्क है। भाई कलकत्ता में बस्ती 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल पुरानी, दिल्ली की बस्ती 70 और 80 के दशक के बाद की है, तो वो जो एक टाइम पीरियड है उसका फ़र्क है। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो कहानी एक जैसी है। सबको लगता है जब शहर में आते हैं तो किसी न किसी संपर्क के माध्यम से आएंगे, गांव का कोई होगा, रिश्तेदार होगा, नहीं तो जन साधारण तो है ही, सबका साधारण पकड़ते हैं पटना से, उत्कल पकड़ते हैं भुवनेश्वर से, और फिर दिल्ली शहर को आ जाते हैं। कहीं ना कहीं काम ढूंढते हैं। लक्ष्य ये नहीं होता है, जैसे एक जो स्किल्ड नौजवान या दूसरे लोग आते हैं जो अलग अलग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लेके आते हैं, इनकी कहानी इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इनको लगता है मुझे कोई काम चाहिए, कहाँ जहाँ भी मिले, जिस भी प्रकृति का हो, मुझे काम चाहिए ताकि मैं कल दो पैसे कमाऊँ और मेरा कल का दिन गुजर जाए। लेकिन ये स्थिति एक जैसी रहती नहीं है। जैसे जैसे छोटे काम बड़े काम कुछ भी काम मिलते हैं, काम के साथ साथ उनका जीवन चलता है। जब 25 साल पहले हम लोगों ने काम की शुरुआत की तो हम लोग ये सोच के आए थे कि सबसे पहले मजदूरी के सवाल को लेकर शुरुआत करेंगे, लेकिन इस इशू पे रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब चूँकि हमें लगा कि हम कहाँ जाएँ, फैक्ट्री के मज़दूरों के साथ काम नहीं करना था, ऐसा मन में तय था कि उन मज़दूरों के साथ काम करेंगे जहाँ मालिक और मज़दूर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो हमारे वर्कर्स लेजिस्लेशन जो है उसके दायरे से बाहर है। और ये सोच के जब लोगों के साथ था कि भाई कहाँ मिले, तो एक लेबर चौक मिलता था, और अदरवाइज कुछ एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे मज़दूर एक साथ असेंबल होकर काम करते थे। लेकिन 6 महीने साल भर के बाद लगा कि शायद बस्तियाँ जो हैं, जो इनके रहने की जगह है, शायद वो एक सही माध्यम होगा जहाँ हम जाएँ और हम इनको ऑर्गेनाइज करें। फिर दिल्ली की बस्तियों में हम लोग ने अपने काम को लेकर शुरुआत की। मजदूरी के सवाल पे लोग कहता था किसके साथ मजदूरी, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या इसके बारे में कोई जानकारी किसी मजदूर को नहीं है। कितने घंटे काम करना है आपको, दिल्ली में अभी 39 नॉन कन्फर्मिंग जोन बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है जो DSIDC ने तैयार किया है। किसी भी मजदूर से पूछ लो कितने घंटे का आवर है। एक हमने स्टडी भी किया था टाटा इंस्टीट्यूट के साथ 2008 में, 12 घंटे का मिनिमम वर्किंग आवर होता है। अगर फैक्ट्री बड़ी है, 80 या 100 से ज़्यादा मजदूर हैं, जैसे ओखला में कुछ थे, वजीरपुर में थे, तो वहाँ पे वर्किंग आवर आपको 6 to 6 मिलेगा, 6 AM to 6 PM, 6 PM to 6 PM, अदरवाइज 8 AM to 8 PM। ये 12 घंटे का पूरा काम होता है। छुट्टी ना के बराबर होती है, 10 रुपया होता है ओवर टाइम का, मालिक अच्छा होगा एक समोसा भी साथ में जरूर देगा 10 रुपये के साथ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वर्कर के बीच में अपने, ये मैं फॉर्मल सेक्टर के वर्कर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वर्कर्स के बीच में इस तरह की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि यहाँ पे जाना, क्योंकि वहाँ यूनियन बहुत सारे पहले से फॉर्मल सेक्टर की यूनियन मौजूद थी, इसीलिए हम लोगों ने 91-92 में हमने ये डिसाइड किया कि हम शिफ्ट करेंगे उन वर्करों के बीच में जहाँ पे मालिक टेम्प्रेरी हो, आज है कल नहीं है, परसों है, सुबह का है शाम का नहीं है, इस तरह के लोगों के साथ। और ये एक समझ में आता है कि जब शहर में ये आते हैं तो धीरे धीरे साल दो साल में ये अपने आप को बसाते भी हैं। पहले अकेले आते हैं, एक छोटे कमरे में रहेंगे, 8-10 लोग एक साथ रहेंगे, उस समय 30 से 40 रुपये पर उस कमरों में खूंटी लटकी होती है, और 30 से 40 रुपये पर खूंटी का रेट होता है, जो अब बढ़ के 1000 रुपये हो गया है। अभी भी कमरे का साइज 10x10 ही है, खूंटी का रेट बढ़ गया है, वो 30-40-50 से 1000 रुपये हो गया है। 1000 रुपये में वो 10 लोग रहेंगे, अपना जीवन चलाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका पांव थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, दो पैसे वो बचाता है तो अपनी फैमिली को भी लाता है।
और जब वो अपनी फैमिली को लाता है तो फिर वैसे ही किसी 10x10 कमरे को किराए पे लेता है, फिर वहाँ पे वो उसकी पत्नी रहती है। बहुत पहले हमें लगता था कि मजदूर में ना हम कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सारे मजदूर एक जैसे ना, सारे पुरुषों और महिलाओं को का एक संगठन बनेगा। तो दिल्ली श्रमिक संगठन की जब हमने शुरुआत की तो ऐसे ही किया, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे थे कि अपने जो अभी सेन गुप्ता जी ने भी कहा, तो अपने मजदूर की बैठक में भी वो जेंडर वाला तो चक्कर होता ही है कि पुरुष ज़्यादा बोलेंगे महिलाएं कम बोलेंगी, पुरुष ज़्यादा आगे रहेंगे महिलाओं को पीछे बैठेंगे, अगर कोई महिला बोलना शुरू करेगी तो उसको कहेंगे अभी तुम चुप रहो। ऐसी डिस्कशन में ये समझ में आया कि जितनी महिलाएं हैं उनकी अपनी अलग कहानी है। वो जब शहर आती हैं तो वो शहर तभी आती जब उनको लगता है कि उनके पति का थोड़ा अस्थायी परमानेंसी जैसा कुछ हो रहा है, उनके पास अब पैसे हैं, किराए पर लेने का जुगाड़ है मकान। जब वो आती हैं तो हमने उनसे पूछा कि आप जब दिल्ली आते हैं, जब आपने दिल्ली आने का सोचा तो आपके सपने क्या थे? बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके सपने बहुत ही रोचक हैं। सबको लगता है कि दिल्ली मतलब बहुत अच्छी जगह, जहाँ मेरी ज़िंदगी पहले से अच्छे ढंग से गुजरेगी, रहने को अच्छा मिलेगा, खाने को अच्छा मिलेगा। और एक तो जनरल कोटिंग था कि भाई अगर दिल्ली चलोगी तो तुमको मैं रानी बना के रखूँगा, चांदनी चौक घुमाऊँगा और सिनेमा दिखाऊँगा। तो ये था। तो और जब मीटिंग हो रही थी तो सारी महिलाएं जो थी वो आसपास की जनकपुरी और विकासपुरी, जहाँ से हमने काम शुरू किया था, उसकी सोसाइटियों में काम करती थी एज ए डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे। तो फिर हमने कहा ये जो रानी का सपना देख के जो शहर में अपने आप को लाई थी, आज सबकी ज़िंदगी क्या है? सबने कहा आज हम नौकरानी हैं, आज हम अपने घर का जूठा बर्तन के साथ साथ दूसरों का भी जूठा बर्तन धोते हैं, ताकि ये जो मेरा परिवार, जिसे ये शहर में जब हम एक परिवार को लाते हैं, दो हुए आज बच्चे भी एक दो हुए, ये जो मेरा परिवार चलाने का जो जिम्मेदारी है, ये मेरी गाड़ी चल सके। क्योंकि पति को 300 दिन काम नहीं मिलते, पति को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी नहीं मिलता, इसीलिए मुझे पति के इस परिवार को सपोर्ट करने के चक्कर में मुझे भी काम करना पड़ता है। तो ये एक तो उसी समय हम लोगों ने दिल्ली डोमेस्टिक वर्कर यूनियन, जिसको अभी दिल्ली घरेलू कामगार संगठन कहते हैं, उसी यूनियन को हमने स्थापित किया। तो ये एक ऐसा दौर चला जहाँ पे मतलब जैसे महिलाओं का एक अलग दर्द है, पुरुषों की एक अलग कहानी है, लेकिन ये लगता था कि आज अगर जब आप बस्तियों को देखोगे, काम के हालात में तो मजदूरी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, वर्किंग कंडीशन तो खैर आप सवाल नहीं कह सकते। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखो, टॉयलेट होंगे, जब हमने स्टडी किया था हमने देखा था, 5 हमने इंडस्ट्रियल एरिया लिया था, टॉयलेट होते थे लेकिन ओनली फॉर मैनेजर्स, अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर्स, उसमें भी ताला लगा होता था, मजदूर उसमें नहीं जा सकता। तो महिला मजदूर कहाँ जाएगी इसके बारे में कोई सोचता नहीं था, मालिक भी नहीं सोचते और जो वहाँ पे जो मैनेजर है या जो दूसरे स्टाफ है वो भी नहीं सोचते। तो ये वर्किंग कंडीशंस की बात आप छोड़ दें, सोशल सिक्योरिटी तो खैर वो तो मतलब शब्द ही दिमाग में नहीं था कि ये सामाजिक सुरक्षा होती क्या है, और मेरा पेंशन क्या, मेरा पीएफ क्या, मेरा ग्रेचुटी क्या, मेरा ईएसआई क्या। ईएसआई तो कुछ कारखानों में होते थे। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, आप देखेंगे ईएसआई सबका नहीं होता, ईएसआई 4 लोग का, 5 लोग का, 6 लोग का होगा, और मास्टर रोल में 9 से ज़्यादा वर्कर कोई कारखाना दिखाता नहीं है, कोई एस्टेब्लिशमेंट दिखाता नहीं है। तो ये पूरी कहानी है। अगर पूरी आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में 1,13,000 एस्टेब्लिशमेंट आज की तारीख में रजिस्टर्ड हैं, करीब उनके अनुसार एवरेज है 9 का, कि 9 मजदूर एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, तो कम से कम वही 10-12-13 लाख मजदूर भी हो गए। लेकिन ईएसआई में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो पूरा आंकड़ा है हाफ पे मिलेगा। तो उसमें ज़्यादातर तो बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ हैं, बड़ी कंपनियों के स्टाफ हैं, छोटे कारखानों के लोग उसमें जाते नहीं हैं। एक सवाल आता है उसके बाद, जब आप शहर के प्रबुद्ध लोगों से मिलोगे, है ना, चाहे वो अच्छे पढ़ने लिखने वाले हमारे एकेडमिक हों, चाहे मीडिया वाले हों, या हमारे कोर्ट के जितने भी जज हैं, ये सब कहते हैं कि साहब दिल्ली में इतने सारे लोग आ गए, इन्होंने दिल्ली को क्योश कर दिया, ये तो नर्क हो गया है, रहने लायक ये शहर रहा नहीं। जब रहने लायक ये शहर नहीं रहा तो इसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? तो एक ही उंगली उठता है, और वो उंगली उठता है मजदूरों पर, कि साहब ये जो आते हैं गंदगी इनकी वजह से फैलती है, शहर में ट्रैफिक कंजेशन इनकी वजह से होता है, शहर में रहने के हालात इनकी वजह से हैं, पानी अगर आज नहीं मिल रहा है जिम्मेदारी इनकी है, सीवर अगर जाम है जिम्मेदारी इनकी है, यमुना गंदी हो रही है तो भी यही जिम्मेदार है। बवाना उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, 2005 में 4 में जब पूरे बवाना से 27,000 परिवारों को उठा के सिर्फ उसमें से 15,000 परिवारों को शिफ्ट किया गया। तो अब ये आप ऐसे देखोगे तो लगेगा कि पूरा का पूरा दोषारोपण जो है वो सिर्फ एक वर्ग को जा रहा है, जो समाज का सबसे गरीब है, जिसके न काम का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, जो एक टेम्परेरी जैसा
एक पूरे माहौल में रह रहा है उस पर सबको सबका निशाना उसी पे है। बहुत आसान निशाना लगता है कि वहाँ तो कहीं भी, जैसे होता है ना जब वो बहुत सारे बलून होते हैं ना किले में और बच्चों से वो 5 रुपये में जब वो फायरिंग करवाते हैं तो बच्चे भी ऐसे मारते हैं तो कोई ना कोई बलून तो फूटेगा ही, तो उसमें तो कोई निशानेबाजी के लिए उतना एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा ही लगता है कि जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, ये गरीब समाज है या जो पूरा एक पूरा जो एक लेबर वर्किंग क्लास है, ये एक ऐसा है जहाँ पे आप कोई भी निशाना मारोगे तो आपको निशाना लग जाएगा। हम लोगों ने एक सवाल उठाना शुरू किया आज से मुझे लगता है 20 साल पहले कि भाई इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, मजदूर जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है। हर साल अगर आज 20 साल पहले का भी आप NSSO का आंकड़ा देखेंगे, आज तो बढ़ गया है, 3 लाख सालाना लोग दिल्ली शहर में माइग्रेट करके आते थे। यहाँ की सरकार कहती थी कि 3 लाख लोग, यहाँ की भी आबादी बढ़ रही है जो यहाँ का पॉपुलेशन है, 3 लाख जो लोग आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं दिल्ली, क्या लाल किला देखने आ रहे हैं या कुतुब मीनार देख के वापस चले जाएंगे? दिल्ली वो काम की तलाश में आ रहे हैं। जब वो दिल्ली काम की तलाश में आ रहे हैं तो तुम्हारा ही तो काम कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे कारखाने में काम करें, चाहे तुम्हारे दफ्तरों में काम करें, चाहे तुम्हारे मकान बनाए, तुम्हारी सड़कें बनाए, तुम्हारे मनोरंजन के साधन तैयार करें, तुम्हारे लिए सेवाएं दें, तुम्हारी तो काम करने आ रहे हैं। जब ये तुम्हारा काम करने आ रहे हैं तो क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें इतने सारे मजदूर अचानक कहाँ से मिले? 60 के दशक में तो नहीं थे, 70 के दशक में तो इससे कम थे, 80 के दशक में तो और कम थे, 90 के दशक में इतने ज़्यादा क्यों होंगे? क्या आपको पता नहीं था इतने सारे लोग आ रहे हैं? और जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो रहेंगे कहाँ? क्या वो हवा में रहेंगे? क्या उन्हें कोई छत नहीं चाहिए? फुटपाथ पे भी रहेंगे तो जगह तो स्पेस वो कवर करेंगे, रैन बसेरा भी बनाओगे तो भी तो चाहिए रहने की जगह, तो रहेंगे कहाँ? क्या ये तुम्हारी जो शहर की योजना है, तुम्हारा शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसका ये उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? और क्या ये 3 लाख लोग जो आएंगे ये क्या पानी नहीं पियेंगे? तो एक आदमी कितना पानी पीता है उसके आधार पर तुम 3 लाख लोग रोज कितना पानी चाहिए तुम उसका भी कैलकुलेशन करो। तो क्या तुम्हारी सरकार को उतनी पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? पानी पिएगा, खाएगा तो शौच को तो जाएगा ना, तो क्या तुम्हारा सीवर टैंक जो सीवर लाइन जो 1957 में तुमने डाला, क्या वही तुम चाह रहे हो 1996 में रहे, वही 2006 और 2016 में रहे? ये तो सवाल है ना। फिर तुम अपने हर एक शहर की तुम योजना क्यों बनाते हो? तुम उसको कहते हो मास्टर प्लान है, तो तुम्हारी मास्टर प्लान में बनाने वाले लोग क्या बिल्कुल आँख कान नाक सब बंद करके बैठते हैं मास्टर प्लान बनाने के लिए? ये सवाल सवालों को लेके हम लोगों ने उस समय सरकार नहीं आई थी कांग्रेस की, क्योंकि उस समय साहिब सिंह वर्मा जी का जो बीजेपी वाली सरकार थी वो गई थी, उस सरकार में तो नहीं था स्पेस की आप इतनी बात कह सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि दीज आर अनवांटेड एलिमेंट्स एंड दे हैव टू बी रिमूव्ड एनी हाउ, आप इनको हटाओ क्योंकि इनके साथ आप कोई इंगेजमेंट डायलॉग कर नहीं कर सकते। इस वाली सरकार के साथ स्पेस था, आप बात कर सकते थे, और हम लोगों ने फिर बात करना शुरू किया और फिर हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए। आपको बताऊं 2001 के सेंसस के हिसाब से 138 लाख आबादी थी दिल्ली की। हम लोगों ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसको मोपा कहते हैं, दिल्ली सरकार का स्लम विभाग और तमाम PWD इन सब से हम लोगों ने घर के आंकड़े इकट्ठे करने शुरू किए कि दिल्ली शहर में किन किन लोगों ने घर बनाए हैं और वो उनकी संख्या कितनी है। तो घर की बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप उसका भी उसको भी अगर समझने की कोशिश करें, दिल्ली में दो तरह घर है, एक है जो सरकार या सरकार के विभागों ने बनाए हैं, एक है जो जनता ने खुद बनाए। तो जितने भी PWD के बनाए हुए हाउस है, चाहे वो प्रेसिडेंट स्टेट ही क्यों ना, वो PWD के अंदर आते हैं, CPWD बोलते हैं उसे, तो वो प्रेसिडेंट स्टेट का घर हो, चाहे एक सेवा नगर हमारे सरोजनी नगर में, ये जैसे भी जो सेन गुप्ता कह रहे थे बहुत अच्छी बात थी, बहन जी चली गई, उनको सुनना चाहिए था कि भाई जो हमारी प्लानिंग हुई ना जब 1962 में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान बना, तो उन्होंने भी ये ब्राह्मणवाद या जातिवाद को कहीं ना कहीं तो नज़र में रख के बनाया। अब जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अटेंडेंट है, प्यून है, लेकिन उनके मोहल्ले का नाम है सेवा नगर, आया नगर, मतलब आप तो मोहल्ले के नामकरण भी उनके काम के साथ जोड़ के देख रहे हो। हाँ, तो मतलब आप जब इस तरह की आपकी योजना में ही फॉल्ट है तो फिर आप मतलब फिर लोग कहते हो यार ब्राह्मणवाद मत बोलो, दलित मत बोलो, यार जो रियलिटी है उसको भी तो समझने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे सरकार के बनाए हुए मकान हैं, दूसरे मकान हैं जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1957 में इसका जन्म हुआ, DDA एक्ट के नाम से पार्लियामेंट ने इसको ईजाद किया। इसकी जिम्मेदारी है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। दिल्ली में अगर कहीं भी मकान बने, रोड बने, कारखाना बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, आपको एयरपोर्ट भी बनाना है तो आपको LNDO के बाद जमीन DDA को से बात करनी है, DDA आपको अप्रूव करेगा, मास्टर प्लान नक्शा वाला सभी जिम्मेदारी इसी की है।
डीडीए का जो मास्टर प्लान है उसकी मियाद होती है 20 साल। हर 20 साल का एक प्रोजेक्शन तैयार करते हैं कि मुझे 20 साल में इस शहर की आबादी कितनी होगी, कितने तरह के लोग होंगे, कितने तरह के मकानों की आवश्यकता होगी, कितने कितना पानी चाहिए, कितना सीवेज सिस्टम चाहिए, कितना राशन, कितना दुकान, शॉपिंग सेंटर, कितने मेट्रो, कितने सब इनको करना है। आपका उस मास्टर प्लान, हम लोगों ने उस मास्टर प्लान पर सवाल किया, बेका ये मास्टर प्लान कैसा है जिसको पता ही नहीं कि 20 साल में 50 लाख लोग आ गए, मास्टर प्लान ने देखा ही नहीं। अच्छा, जो मास्टर प्लान ने प्रोजेक्शन किया था कि मैं इतने मकान बनाऊंगा 1962 में, 1982 में, उसका 25% भी वो मकान डिलीवर नहीं कर पाए। आज भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे डीडीए का डीडीए ड्रॉ होने वाला है, हाउसिंग ड्रॉ होने वाला है। कितनी संख्या होती है? 10,000, 20,000, 2,000, 4,000। आपके शहर की आबादी 172 लाख हो रही है, आप ये 2,000, 4,000 मकान के क्या हाउसिंग का जो बैकलॉग है उसे आप पूरा कर लोगे? तो ये एक सवाल डीडीए के ऊपर लगातार चलता गया और उसको लेकर के हम लोगों ने उसे बहुत दो चार स्लोगन भी बनाए। हाँ, जो मैं कहना चाह रहा था कि 138 लाख आबादी में 108 लाख लोग थे जिनके मकान न पीडब्ल्यूडी ने बनाए न डीडीए ने बनाए, मतलब डीडीए के बनाए हुए फ्लैट या उनके द्वारा डेवलप किए गए जो प्लॉटेड कॉलोनीज था वो सबको आप अलग कर लो, तो बाकी जो 108 लाख लोग थे वो तीन तरह के रिहायशी इलाकों में रह रहे थे और आज भी रह रहे हैं। आज उनकी संख्या तो और ज़्यादा हो गई है। ये एक कॉलोनी है जिसे हम कहते हैं स्लम, जिसको जेजे क्लस्टर्स भी कहते हैं, दिल्ली सरकार की भाषा जेजे क्लस्टर की है, हम लोग उसको अपनी मजदूर बस्ती कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको स्लम मत बोलो, लेकिन वो स्लम बोलने पे अड़ी है, हम लोग मजदूर बस्ती बोलते हैं। ये मजदूर बस्तियां उस समय 1,098 बस्तियां थी, कम से कम 25 लाख के आसपास आबादी उसमें रह रही थी। दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी जब बस्तियों को तोड़ते हैं तो उनका पुनर्वास करते हैं, तो उसे कहते हैं रिसेटलमेंट कॉलोनीज। ये दिल्ली में है, बाकी इलाकों में मुझे नहीं पता। वो आज की तारीख में 77 रिसेटलमेंट कॉलोनीज है और परिवार कम से कम 9.6 लाख फैमिलीज रहते हैं उसमें, तो पॉपुलेशन की आप सोच लो कितने लोग होंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो है उन कॉलोनियों की जिसे हम अनऑथराइज कहते हैं, ये किसानों की ज़मीन को प्राइवेट बिल्डर डेवलपर खरीदता है और उसे कॉलोनी तैयार करके एज ए कॉलोनाइजर उसको बेचता है। इनकी संख्या 1,339 थी आज से 10 साल पहले, इस सरकार के आने के पहले 1,639 हुई, आम आदमी की पार्टी आई 2,000 कॉलोनी हो गई। 2000 में सरकार कहती है कि कम 50 लाख प्लस लोग रहते हैं, पहले हम 40 लाख बोलते थे, अब ये खुद ही कह रहे हैं कि 50 लाख से ऊपर लोग हैं। तो इन सबको जोड़ोगे ये 72% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन दिल्ली को ये एक मतलब एक फिगर आता है। तो 72% जिस शहर की आबादी इनफॉर्मल सेक्टर में हो, इनफॉर्मल वर्क, इनफॉर्मल सेटलमेंट, पूरी जिंदगी इनफॉर्मलाइज हो, उस शहर को फिर फॉर्मल दिल्ली क्यों बोलते हैं? दिल्ली का नाम क्या होना चाहिए? इनफॉर्मल दिल्ली। भाई 28% वाला प्रजातंत्र में कहते हैं भाई जिसको ज़्यादा नंबर होगा वो जीत जाएगा, तो हम तो 72 लोग हैं, फिर हम क्यों मतलब ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कहते हैं ना डिप्राइव्ड, हमने सब चीज़ गंवा दिया, तो हमने हमसे सब चीज़ छीन लिया। आज पूरे दिल्ली में जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी में जो रिसेटलमेंट कॉलोनी है, पॉलिसी में इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन का पॉलिसी नहीं है, ये भी पब्लिक हाइडेंट होगा। मतलब जनता जैसे पब्लिक हाइडेंट में 100 लोगों के एक नल की सुविधा होती है म्यूनसिपल एक्ट में, वैसा ही होगा। पब्लिक टॉयलेट की सुविधा है, इंडिविजुअल टॉयलेट की सुविधा नहीं है, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी अगर पूरी आप पूरी पॉलिसी को भी देखोगे तो लगेगा कि ये पॉलिसी भी इनको देख के बनाई गई है जैसे कि ये इंसान नहीं है, इन्हें किसी तरह की प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं, ये तो जानवर है, कहीं भी जा सकते हैं, ओपन डिफिकेशन करें, चाहे एक साथ मतलब बिना पानी के भी ये रह सकते हैं, क्योंकि पानी होता ही नहीं है। मतलब पानी के नाम पे अगर 500 आबादी है किसी बस्ती की तो 5 नल लगाने की सुविधा है, 5 नल में 500 आदमी कितना नल लेंगे, कितना पानी पियेंगे वो लोग तय करें, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था अगर आप देखोगे तो दिल्ली के पूरे इसकी थी। तो इसके लिए हम लोगों ने आज से 17-18 साल पहले एक स्लोगन बनाया था कि 100 में 70 हम मजदूर क्यों जाएं दिल्ली से दूर, और दिल्ली हमारी याद की नहीं किसी के बाप की, है ना भाई, दिल्ली का पानी हमारा है, हमारा है। इस तरह से करके हमने बहुत सारे स्लोगन बनाए थे ताकि लोगों में एक अपने शहर को लेके जो उनके बीच जो शहर में रहने का अधिकार है उसको लेके एक समझ बने, उसके साथ वो संगठित हों। और 2006 में हम लोगों ने कैंपेन, थोड़ा समय कम है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, 2006 में हम लोगों ने इन सभी सवालों को लेके एक कैंपेन की शुरुआत की थी, कैंपेन फॉर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी फॉर अर्बन पुअर एंड वर्कर्स, तो शहरी मजदूरों का सम्मान से जीने का अधिकार अभियान। और उसमें हमारी पहली मांग थी कि जितने भी शहर के मजदूर हैं इनके लिए एक आप हाउसिंग राइट का कानून लेके आओ, हाउसिंग राइट लेजिस्लेशन लेके आओ, और जो इनको इनके शहर में रहने के अधिकार को
और प्रोटेक्ट कर सके और इज्जत से रह सके। इज्जत से रहने में फिर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा वो ये हो जाएगा, लेकिन ये रहा उसका कैंपेन का ये असर हुआ कि जो आप आज देख रहे होंगे, मैं भी निर्मल से भी यही बात कर रहा था, आज पिछले एक डेढ़ महीने से दिल्ली में सीलिंग का बहुत बुरा बुखार चला हुआ है, रोज़ अखबार में देखते होंगे व्यापारियों के साथ ये चल रहा है। जब 2006 में हम लोगों ने इस कैंपेन की शुरुआत की और उस समय तक वो कह रहा था कि 99 से लेकर के 2006 तक सरकार कोर्ट के माध्यम से बस्तियों को उजाड़ रही थी, कोर्ट में केस करता था RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको पता नहीं होता था पार्टी को, और 3 महीने बाद मालूम चला, 4 महीने बाद कि आपकी बस्ती के टूटने का नोटिस आ गया। लोग अपनी झुग्गी को बचा नहीं पाते थे, ज़्यादातर झुग्गियाँ टूटी। उस दौरान 352 झुग्गियाँ टूटी, 2.25 लाख लोग बेघर हो गए, ये पूरा गवर्नमेंट का डाटा। और उसके बाद जब हम लोगों ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया और हम लोग भी उस समय तो हम लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते थे क्योंकि कोर्ट में लगता था कि जज जो है, क्योंकि एक दो बार मैं गया था तो पूछता था हुआ रही व्हाट इज़ दिल्ली श्रमिक संगठन, है ना, तुम कैसे इसकी तरफ से आ गए, तुम तो लगते नहीं हो झुग्गी बनाने वाले हो, मतलब ऐसे से बोल के नाम नहीं लूंगा, दो जज थे, उन्होंने तो फाइल ही वापस कर दी कि ले जाओ नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इस माहौल मूवमेंट बनने के बाद उसी समय 2007 में सीलिंग स्टार्ट हुआ और सीलिंग में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुआ था दिल्ली में, काफ़ी मारपीट झगड़ा, इस अभी थोड़ा कम वायलेंस है, उस समय वायलेंस ज़्यादा था। उस समय जो अभी की सरकार तो नहीं सुन रही है, उस समय की सरकार मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जो भी मिनिस्टर थे, इन्होंने बुलाया, लगातार बात हुई और एक एक्ट बना दिसंबर 2007 में जिसका नाम था दिल्ली स्पेशल लॉ प्रोविजन एक्ट 2007। बहुत छोटा दो पढ़ने का एक्ट था, 3 ही मेजर कंपोनेंट थे कि दिल्ली में जब तक कोई स्लम पॉलिसी नहीं बनेगी कोई भी स्लम को तोड़ा नहीं जाएगा, जो हम लोगों की डिमांड थी। दूसरा था जब तक मास्टर प्लान संशोधन नहीं होगा, क्योंकि मास्टर प्लान उस समय 7 फरवरी 2007 को इन्होंने 2021 का मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट घोषणा कर दिया था, उसके बाद से ही टूटने शुरू हुए थे, कहा था जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी दुकानों को सील नहीं किया जाएगा। और तीसरा था रेहड़ी पट्टी वालों को लेके कि जब तक रेहड़ी पट्टी का कोई कानून या नीति नहीं बनेगी इनको इनके काम से गुजारा नहीं जाएगा। अभी 29 दिसंबर को इस सरकार ने 2017 को वापस इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी इसको तोड़ रही है अलग अलग दूसरे कारणों से। तो ये एक तो मतलब है, लेकिन जब कैंपेन चलाया था कैंपेन में हम लोग कह रहे थे कि आप दिल्ली सरकार को कि आप एक पॉलिसी लेके आओ। हमारे पास 1990 की बनी हुई 3 स्ट्रैटजी थी। पहली स्ट्रैटजी थी कि भाई बस्ती को जहाँ है उसी अवस्था में बुनियादी सुविधा दे के बसा दो। दूसरा था कि अगर बस्ती के ज़मीन के मालिक को बस्ती की ज़मीन की अगले 15 साल तक लैंड ऑर्डरिंग एजेंसी को अगर ज़मीन की ज़रूरत नहीं है तो आप इनका इन सीटू अपग्रेडेशन करो। और तीसरा था कि अगर उसे ज़मीन की ज़रूरत है, ज़मीन का मालिक कोई हो, सरकार हो, पब्लिक हो, कॉरपोरेट हो, प्राइवेट हो, एनीबडी, तो उसको उसमें एक पैकेज बना था रिहैबिलिटेशन पैकेज, 46,000 रुपीज़ एज ए कंपनसेशन देना पड़ता था, जिसमें 29,000 दिल्ली गवर्नमेंट देती थी और 10,000 मालिक देता था, 10,000 दिल्ली गवर्नमेंट और 7,000 जो बस्ती का आदमी था वो देता था। ये एक पैकेज चल रहा था इतने सालों से, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि ये स्ट्रैटजी है, बहुत से मालिक नहीं मानते थे, इसके खिलाफ वो कोर्ट जाते थे, कहते थे कोई सर्म पॉलिसी नहीं है। तो 2006 से जो लगातार हमने अभियान किया, हमने कहा हमारे दस मांगे थी और हमने कहा भी इसमें कट ऑफ डेट नाम का चीज़ मत करो, मतलब 31 जनवरी 1990 के बाद से जो लोग दिल्ली में आए थे वो सब इस पॉलिसी के बाहर थे, उनका घर टूटेगा तो उनको रिहैबिलिटेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो एक फ़ायदा ये हुआ, लगातार 4-5 साल के संघर्ष के बाद फरवरी 2013 में दिल्ली सरकार ने 2008 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी से 5वीं मीटिंग में लोग बाहर हुए क्योंकि वहाँ पे 3-4 बिल्डर आ गए, SDFC जैसे बैंक के अब चेयरपर्सन आके आपके कमेटी के मेंबर बन जाएंगे और 165 स्क्वायर फुट का मकान 8 लाख में बनाने की बात करेंगे, तो हम लोग पहले बाहर आ गए। हमने कहा कि तो मतलब साउथ दिल्ली में भी इतना ज़्यादा रेट नहीं था उस समय, हमने कहा बाहर हो गए, तो वो प्लान नहीं बना। 2010 में इन्होंने पॉलिसी बनाई, उसका जम के विरोध हमने किया। 2013 में एक पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में ये हो गया कि जब भी कोई बस्ती टूटेगी तो उनको बिना बसाए आप तोड़ नहीं सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का ऑर्डर हो। दूसरा हम लोगों ने कहा था कि इंसीटू हो, इंसीटू पे कांग्रेस सरकार नहीं मानी, उसने कहा कि जो अब जो उस समय सरकार की स्थिति थी आज वो आप गवर्नमेंट झेल रही है। दिल्ली सरकार के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, दिल्ली की सारी ज़मीन का मालिक DDA है या PWD है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है या MCD है। कैंट जो हमारा आर्मी कैंट है ये तो जमींदार है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा जमींदार अकेले लेके बैठा हो, दिल्ली सरकार को बोलो 5 एकड़ ज़मीन दे दे, बोले भैया ज़मीन नहीं हमारे पास। इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन हम नहीं कर सकते बिकॉज वी डू नॉट ऑन एनी लैंड इन दिल्ली सिटी। तो उन्होंने कहा कि साहब
अगर जहाँ भी जगह खाली मिलेगी, लैंड ओनिंग एजेंसी के साथ समझौता हो जाएगा, तो वहाँ हम आपको बसाएंगे। लेकिन 2007 का मास्टर प्लान जब देखेंगे, चैप्टर 4 जो अर्बन पुअर का है, उसमें उन्होंने पूरी ये बहुत सारी मांगों को उन्होंने कंसीडर किया हमारी, लेकिन उसमें उन्होंने एक वर्टिकल डेवलपमेंट का उन्होंने एक प्रोजेक्शन किया कि अब दिल्ली शहर में ज़मीन नहीं है, इसलिए दिल्ली शहर का जो भी विकास होगा वो वर्टिकल होगा, मतलब मल्टी स्टोरी में हम जाएंगे, जिसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो उस पॉलिसी के बनने के बाद, जैसे मैं कह भी रहा था निर्मल को, अब दिल्ली में बस्तियाँ नहीं टूट रही हैं, अगर कोई टूट रही हैं तो ज़रूर बताओ, क्योंकि हम लोग इस मतलब आज की तारीख में टूट नहीं सकती है। अभी पिछले जब ये सरकार आई, इस सरकार ने आते के साथ उसमें संशोधन किया, और संशोधन में जो इस जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था इंस्टीट्यूट वाली बात, वो इंस्टीट्यूट वाली बात हुई। पिछली सरकार ने 9 जून 2009 को कट ऑफ डेट माना था, क्योंकि राजीव आवास योजना का वो अनाउंसमेंट डेट था, उनको सबको लग रहा था, नाम नहीं लूंगा, सेंट्रल मिनिस्टर थी, वो कह रही थी अरे भैया इस पे तो मान जाओ ना, ये कम से कम राजीव जी के नाम पे ये वाला तो मान जाओ ना। ये वाली सरकार ने उसको भी हटा दिया, कहा कि भाई 15 फरवरी को हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी, तो 15 फरवरी तक दिल्ली की बस्तियों में कोई आके अगर रह लिया है और उसका किसी भी इलेक्शन में उसने वोट दिया है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए। तो आज जो दिल्ली में स्लम की पॉलिसी है अर्बन पुअर के हाउसिंग को लेकर, मुझे लगता है देश में अभी कहीं नहीं है। मैं अभी अलग अलग जहाँ जहाँ शहरों में जाता हूँ, बहुत से जगह तो बोलते हैं भैया मेरी बस्ती का नाम मतलब म्यूनसिपैलिटी में कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाए। दिल्ली में वो स्थिति नहीं थी, दिल्ली में एक था कि दिल्ली ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दिल्ली के इतिहास में हुआ, जब वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ियों के लिए एक वरदान साबित हुआ, बहुत कम समय के लिए थे, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि पहली बार दिल्ली में उस समय की जो बची हुई बस्तियाँ थी उनका सर्वे करवाया और उनको एक कलर आइडेंटिटी कार्ड दिया, है ना, जिसे टोकन, एक टोकन भी स्टील का दिया, एक आइडेंटिटी कार्ड दिया। करीब 260,000 परिवारों का सर्वे हुआ था, सर्वे फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने किया था। तो ये जितने बस्तियों में सर्वे हुआ, वो बस्तियां ऑलरेडी मतलब दिल्ली सरकार के सूची में आ गई कि ये बस्तियां इस शहर की बस्तियां हैं, इसमें ये इतने लोग हैं, इनके पास ये राशन कार्ड है, और पहली बार दिल्ली में किसी भी बस्ती वालों को, किसी भी मजदूर को राशन कार्ड मिला। 31 जनवरी 1990 पहला मतलब उसका लास्ट था, और हम लोग भी किसी इलाके में कुछ कुछ कर रहे थे, तो हमें लगा कि ये एक पहला जो था जो हिस्टोरिकल हुआ, और उसी को लगातार सभी सरकारों ने कट ऑफ डेट माना, जिसको हम लोग लगातार कह रहे थे कि आप ब्रेक करो, हर साल मजदूर आ रहा है, तुम्हारे पास तो कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं, क्या मजदूर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, न कोई हॉस्टल है, न कुछ है, तो आप ये 90 के कट ऑफ डेट का राग कब तक अलापोगे। तो इस वाली सरकार ने उसको ब्रेक किया है, लेकिन चैलेंजेस सरकार के सामने बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा दिल्ली शहर कहने को तो एक शहर है, लेकिन इस शहर में दो शहर है। एक शहर है जो औपचारिक शहर कहते हैं, जिसे फॉर्मल सिटी कहते हैं, जहाँ पे हम बैठे हैं एक फॉर्मल सिटी का पार्ट है, लुटियंस दिल्ली हम कहते भी हैं, है ना, राष्ट्रपति भवन से लेके और सरोजिनी नगर, ये जितने भी आरकेपुरम के इलाके आप इनको मान लो, है ना। और दूसरा शहर जो है, एक तो और पुराना शहर हो गया जो शाहजहाँ ने बसाया था, शाहजहाँबाद, वो जिसको हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो हो गया। एक आपका ये नवा शहर हो गया, और तीसरा शहर जो है वो है इनफॉर्मल वर्कर्स का शहर, ऐसे मजदूरों का शहर जिनके बारे में मतलब सब चीज़ इनफॉर्मल है, उनका घर भी इनफॉर्मल, नहीं पता कब चलेगा, है ना। ये जो कच्ची कॉलोनी में बता रहा हूँ, 2000 कॉलोनी, यहाँ पे आज तक पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो है, इलेक्ट्रिसिटी 2006 में आया, लेकिन पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, सीवर नहीं है। तो कहानी लंबी है प्रति, तो बाद में सवाल जवाब में इसका आएगा, तो ठीक है। लेकिन ये है कि एक पॉजिटिव चीज़, सिर्फ एक लाइन कहूँगा, एक पॉजिटिव चीज़ बनी है पिछले 15-20 सालों के लगातार काम के बाद, कि लोग को ये शहर में, ये शहर मेरा है और इस शहर को मेरा रहने का अधिकार है, काम करने का है, जीने का अधिकार है, इस बात से लोग अब मतलब अपनी मतलब सहमति जताते हैं, संगठन में जुड़ते हैं, संगठन पहले से काफ़ी मजबूत भी हुआ इन सवालों को लेके। और हमें लग भी रहा था, जैसे अभी शायद आप ही कह रहे थे कि शहर के सवालों को लेके, हमें लगा कि शहर में घर के सवाल को लेके मतलब लोग क्यों जुड़ेंगे, लेकिन और लोगों के दिमाग में भी था कि शायद सरकार तो हमें घर देगी, लेकिन मतलब उनके अत्याचार ने हमारे संगठन को मजबूत होने में ज़्यादा मदद किया। और आज दिल्ली शहर में ये तो है कि आप किसी का घर तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो जनता भी रोड पे विरोध करेगी, और कानून भी अब ऐसा हो रहा है, नीति भी ऐसी हुई है कि आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस इनफॉर्मल सिटी मतलब इनफॉर्मल होना ये चाहिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि पूरे शहर को ना आप दिल्ली लुटियन जोन से अलग हटा के इसको कहोगे साहब ये इनफॉर्मल वर्करों का शहर है, इनफॉर्मल दिल्ली है, और यही हम शहर को चला रहे हैं। तो हमने एक नारा भी दिया था, ये शहर हमारे श्रम पे खड़ा है,
हमारे दम पे सांस लेता है, फिर ऐसी शहर में मजदूरों की, मतलब फिर इस शहर में मजदूरों की दशा क्यों, इसी बातों में देखते हैं।